वो मन की बात जान लेते हैं, वो आपकी जेब में रखा पर्चा पढ़ लेते हैं, वो दिव्य शक्ति के स्वामी हैं, बालाजी उन्हें सब बता देते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सच क्या है? तर्कवादी बाबा के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हालांकि उनको समर्थन भी बहुत मिल रहा है, उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लग रहा है, लेकिन अब बाबा के समर्थन में खुलकर उनके समर्थक आ गए हैं। दिल्ली में आज बाबा के समर्थन में प्रदर्शन हुआ और उनके लिए नारेबाजी हुई, विरोध में भी जमकर नारेबाज हुई, यानी कि सवाल है तो जवाब है और यहां पर आर पार है। क्या कुछ एक स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की है आप सभी के लिए, कब से शुरुआत हुई, दिल्ली तक ये बात आ गई, जरा इस स्पेशल रिपोर्ट पर नजर डालिए आप। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार के दावों पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ और बाबा के समर्थन में खुलेआम निकल आए हैं समर्थक। दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क में बड़ी तादाद में बाबा के समर्थक बाबा के कटआउट के साथ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठे। बड़ा कटआउट आप देख सकते हैं, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले ये बड़ा लाइफ साइज कटआउट धीरेन्द्र शास्त्री जी का यहाँ पर लेकर आया गया है। जो आलोचक हैं बाबा के, वो साफ तौर पर कहते हैं कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, और ऐसे में उनके समर्थकों ने अब यहाँ पर रोहिणी के अंदर जो जापानीज पार्क है वहां पर डेरा जमाया है। हम बाबा के समर्थक हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए और अधर्मियों के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। ये जो आज आप देख रहे हैं ये अभी तो सिर्फ एक झांकी है, अभी तो पूरा विश्व जब जाग उठेगा ना एक मंच पे, और पूरे भारत देश के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा सनातनी एक मंच पे आपको दिखा देंगे आने वाले समय में। बाबा के समर्थन में हुए प्रदर्शन में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ अभियान की वजह से बाबा निशाने पर है। अगर कोई व्यक्ति किसी को ना तो जबरदस्ती बुला रहा, ना किसी से कोई जबरदस्ती पैसा ले रहा, ना ये कह रहा कि जो भी मेरे यहाँ आएगा उसका धर्म परिवर्तन होना जरूरी है, केवल जो आस्थावान है वो जा रहे हैं, जिन्हें आस्था नहीं है वो मत जाइए, सीधी सीधी सी बात है। इसमें समस्या क्या आ रही है लोगों को? ऐसा कौन सा दावा बागेश्वर धाम सरकार जी ने किया है कि राष्ट्र को लेकर, समाज को लेकर जो लोग ये बोले कि इसके खिलाफ हमें बोलना है, ऐसी तो कोई बात उन्होंने कर दी। वो धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोल रहे हैं और लव जिहाद के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर पिछले हफ्ते भर से बहस तेज है। इस बहस में अब नेताओं ने भी एंट्री की है, कुछ विरोध में तो कोई समर्थन में। बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी सवाल उठाया कि आखिर दरगाहों को लेकर कोई क्यों नहीं बोला। मैंने इंटरव्यू देखा है, उन्होंने कहा मेरा चमत्कार कुछ भी नहीं, मेरे इष्ट का चमत्कार है, मुझे हनुमान जी पे विश्वास है, मुझे सन्यासी बाबा पे विश्वास है और उनकी कृपा से सब कुछ होता है, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो उनका छोटा सा साधक हूँ। इसलिए ये इस प्रकार के उन पर आरोप लगाना मिथ्या है। और सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि जावरा के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पर लौटते हैं पीटते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। और एक महात्मा जी के सामने, हिंदू महात्मा है वो, उनके सामने इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आज तक किसी ने जावरा के दरगाह पर किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया? दरगाहों पर जो रूहानी इलाज किया जाता है उस पर उंगली उठाने के लिए आज़ाद हैं, जबकि दोनों पहलू हैं, दोनों तरफ देखना चाहिए। ये एक रूहानियत का मामला है, रूहानियत के मामले में सियासी लोगों को अमल दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। कल मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बाबा के विरोध में सामने आए। इस देश में 80-90% सनातन धर्म को मानने वाले लोग, जब उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे? मैं उनसे चाहूँगा कि अगर आपके सच्चाई है तो आपको प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें। और वास्तव में जो आपने तांत्रिक ऐसी एक प्रथा के प्रचार कर रखा है उसको प्रमाणित करें। बागेश्वर सरकार जी से तो मैं खुद भी मिला हूँ और
बागेश्वर धाम अपने आप में बहुत सिद्ध स्थान है और ये एक आस्था का मामला है। लोग खुद बहुत व्यस्त हैं, बहुत होशियार, समझदार, जिम्मेदार हैं। अगर वो जा रहे हैं और उन्हें कुछ लाभ मिल रहा है तभी जा रहे हैं, तो ये आस्था का विषय है, इस पे प्रश्न चिन्ह लगाना गलत है। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री सुर्खियों में तब आए जब नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था ने उनकी शक्ति को चुनौती दी। बाबा के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने का केस भी दर्ज कराया। विवाद जब भड़का तो अब कई हिंदू संगठन बाबा के समर्थन में आ गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव का पुतला फूंक कर विरोध जताया। तो उधर पटना में वेद विद्यालय के आचार्य बाबा के समर्थन में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने बैठ गए। बाबा पर बहस तेज है, विरोध है तो समर्थन भी है। दिल्ली से श्रेया चटर्जी और राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।